नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। बीते कुछ दिन पहले मनोज गोस्वामी द्वारा हृदेश कुमार आर्य के खिलाफ लगातार फर्जी और झूठी शिकायत दर्ज कराने और फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। दमोह ढूंगा जवाहर ज्योति वार्ड 37 के लोगों ने पुलिस बहुउद्देश्य भवन पहुंचकर स्थानीय मनोज गोस्वामी के खिलाफ मानहानि और छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसपी सिटी हरबंस सिंह को शिकायत कर ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पार्षद विद्या देवी का आरोप है कि उनका बेटा समाज सेवा और साफ छवि का है, लेकिन मनोज गोस्वामी आए दिन उसके खिलाफ सोशल मीडिया में बयानबाजी करते रहता है, पुलिस के पास झूठी तहरीर लेकर गलत गलत आरोप लगाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। विगत कुछ दिवस पहले एक मनोज गोस्वामी नाम के युवक से मेरा किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया था, तो लगातार उसके द्वारा पुलिस प्रशासन को गुमराह कर झूठे झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं और झूठी झूठी शिकायतें की जा रही हैं और फेसबुक में मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इस संबंध में आज एसएसपी साहब से हमारा मिलना हुआ, उनसे हमने मुलाकात की और अपनी शिकायत उनसे हमने दर्ज की, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आज हमारे एसएसपी साहब से हमको कार्रवाई की मांग करनी पड़ी। एसएसपी साहब का कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। ऐसा लगा कि वो हल्द्वानी विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं और हमको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और भी उल्टा उल्टा हमसे उल्टी उल्टी बातें करके हमें वहाँ से बाहर भेजने का उनके द्वारा काम किया गया। अगला कदम, मैं इसमें लीगली एक्शन ले चुका हूँ और लीगली कार्रवाई कर रहा हूँ और कोर्ट कचहरी का सहारा लेके इसमें अपनी लड़ाई में कोर्ट के माध्यम। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।